आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लेज़र के बारे में। लेज़र का डिफिनेशन क्या होता है और इसका प्रॉपर्टीज़ या करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ऑर्डिनरी लाइट से डिफरेंस कैसे होता है लेज़र लाइट, और इसका यूजेज कहाँ किया जाता है, और इससे जुड़ी हुई कुछ बेसिक चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लेज़र से। लेज़र को जो बनाने वाला वैज्ञानिक था उनका नाम था थियोडोर एच मैमान, जिन्होंने 1960 ईस्वी में ह्यूजेस रिसर्च लेबोरेटरीज लेबोरेटरीज में बनाया था, और इसके साथ जो थियोरेटिकल काम करने वाले थे, थियोरेटिकल थियोरेटिकल वर्क जो किए थे उनका नाम था, एक का नाम था चार्ल्स हार्ड टाउन्स और दूसरा का नाम था आर्थर लियोनार्ड चोलो। तो लेज़र का जो खोज किया था वो थियोडोर एच मैमन 1960 ईस्वी में ह्यूजेस रिसर्च लेबोरेटरीज नामक लेबोरेटरी में किए थे, और जिसमें थियोरेटिकल जो काम किए थे उन्होंने, दो वैज्ञानिक ने इनका साथ दिया था, उनका नाम था चार्ल्स हार्ड टाउन्स और आर्थर लियोनार्ड चोलो। अब इसका डिफिनेशन क्या होता है, पहले इसका फुल फॉर्म जानेंगे। लेज़र का फुल फॉर्म क्या होता है? एल फॉर लाइट, जिसका मीनिंग होता है प्रकाश। ए एम्पलीफिकेशन, बाई एम्पलीफिकेशन का मतलब विस्तार, बाय मतलब द्वारा, और एस स्टिमुलेटेड स्टिमुलेटेड मतलब होता है अत्यधिक शक्तिशाली। अत्यधिक शक्तिशाली और ई उससे होता है इमिशन, जिसका मीनिंग होता है उत्सर्जन। इमिशन ऑफ, यहाँ ऑफ और ऑफ का और यहाँ आर रेडिएशन, इसका मीनिंग होता है विकिरण। विकिरण लेज़र का जो फुल फॉर्म है उससे साफ पता चलता है कि इसका डिफिनेशन क्या कहने वाला है। तो इससे पता चल रहा है लाइट मीनिंग तो प्रकाश, एम्पलीफिकेशन विस्तार, स्टिमुलेटेड अत्यधिक शक्तिशाली, इमिशन उत्सर्जन और आर रेडिएशन विकिरण। मतलब कि एक अत्यधिक शक्तिशाली प्रकाश की सुनियंत्रित विकिरण उत्पन्न करने वाली युक्ति या यंत्र, जिसका हम लोग प्रयोग एक उपकरण के रूप में कर सकते हैं, उसको हम लोग लेज़र के नाम से जानते हैं। ये हुआ लेज़र का डिफिनेशन। अब जानते हैं इसके प्रॉपर्टीज़, या कह सकते हैं कि यह ऑर्डिनरी लाइट से कैसे डिफरेंस होता है, या इसका करेक्टरिस्टिक्स गुणधर्म क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं। इसका प्रॉपर्टीज़, लेज़र लाइट का जो प्रॉपर्टीज़ का पहला नंबर आता है वो होता है मोनोक्रोमेटिसिटी। मोनोक्रोमेटिसिटी, मोनोक्रोमेटिसिटी में हम देखते हैं कि इसका जो लाइट होता है, लेज़र का जो लाइट होता है वो सिंगल फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ पाया जाता है, और इसीलिए जो होता है लेज़र लाइट में मोनोक्रोमेटिसिटी हाईली होता है। लेज़र का अब दूसरा प्रॉपर्टीज आता है कोहेरेंस। कोहेरेंस में हम लोग देखते हैं कि इसका फेज फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो होता है वो कांस्टेंट होता है, इसीलिए इसका लेज़र का जो कोहेरेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अब आते हैं इसका डायरेक्शन।
डायरेक्शन, डायरेक्शन जो होता है इसका सिंगल डायरेक्शन होता है लेजर का। हम देखते हैं ऑर्डिनरी जो लाइट रहता है, जैसे घर में यूज किया गया बल्ब, ये सब जो होता है इसका डायरेक्शन सभी दिशाओं में जाता है, लेकिन जो लेजर होगा इसका डायरेक्शन केवल एक ही दिशा में जाएगा। और यही जो है यह ऑर्डिनरी लाइट से यह इसका किस तरह यह डिफरेंस है यह बतलाता है। और आते हैं इंटेंसिटी पे, चौथा नंबर पे और अंतिम नंबर पे है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी जो होता है लेज़र लाइट का काफ़ी ज़्यादा होता है। लेज़र लाइट का जो इंटेंसिटी होता है वह हाई होता है, हाईली इंटेंसिटी, और हाईली होने के कारण से ही स्ट्रॉन्ग बीम बनाता है। लेज़र लाइट का जो इंटेंसिटी होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अब हम लोग इसके यूजेज के बारे में जानेंगे। यूज इसका कहाँ कहाँ किया जाता है लेज़र लाइट का, तो इसका यूज दूरी मापने में किया जाता है, ये तो वो पहला यूज। इसका दूसरा यूज स्वास्थ्य क्षेत्र में या मेडिकल क्षेत्र में कर सकते हैं। तीसरा यूज इसका सूचना के क्षेत्र में। और चौथा यूज जो होता है इसका फोटोग्राफी में किया जाता है, फोटोग्राफी क्षेत्र में किया जाता है। तो ये तो हुआ लेजर के इंट्रोडक्शन और उसके फुल फॉर्म और करेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे, उसके कुछ यूजेज के बारे में जाने। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो लाइक शेयर करिए। आगे की वीडियो में हम इससे जुड़ी हुई कुछ नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे।